दोस्तों, आज दुनिया में हम इंसानों का राज है। हर चीज पर हमारा काबू है और हम ही दुनिया को चलाते हैं। अगर आज से 5000 साल पीछे जाएं, तब भी दुनिया में हमारा ही राज था और 10000 साल पहले भी। लेकिन अगर हम समय में 7 से 8 लाख साल पीछे चले जाएं, तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि उस समय धरती पर हम इंसानों का कोई वजूद नहीं था। और एक समय तो ऐसा भी था जब पूरी पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। ऐसे में सवाल का मन में उठना लाजमी है कि धरती पर हम इंसानों का जन्म कैसे हुआ, किस तरह हम इंसान अस्तित्व में आए और कैसे हमने इस पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लिया। इन सभी सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक एस्ट्रॉयड टकराया था, जिसे हम चिक्सुलूब इम्पैक्टर के नाम से जानते हैं। इस एस्ट्रॉयड के टकराने से पृथ्वी पर ऐसा विनाश फैला मानो प्रलय आ गया हो, और इस प्रलय की चपेट में हर वो जानवर आया जिसका वजन 25 किलो या उससे ज्यादा था। यही वो घटना थी जिसने पृथ्वी से डायनासोर का अंत कर दिया। लेकिन डायनासोर का अंत होते ही पृथ्वी पर जीवों की एक बिल्कुल नई प्रजाति को पनपने का मौका मिला, और ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। यकीन करना भले ही मुश्किल लगे, लेकिन इन्हीं जीवों के पनपने से धरती पर इंसान के वजूद में आने की नींव डली। छोटे आकार के इन जीवों ने इस प्रलय से खुद को बचाने के लिए धरती के नीचे अपना बसेरा बना लिया, और क्योंकि महाविनाश होने के कारण धरती पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसे में सर्वाइव करने की खातिर इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। सब कुछ यानी अपने से छोटे बड़े सभी तरह के जीव। धीरे धीरे समय बीता और धरती पर फिर से हरियाली आने लगी। हालांकि प्रलय के समय दुनिया में सिर्फ 5% ही जीव बचे थे, लेकिन समय के साथ उन्हीं जीवों से नई नई प्रजातियां वजूद में आने लगी। इसी तरह आज से करीब 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे दिखने वाले जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिनकी दूसरे जीवों से अलग सामने की तरफ थी। यही वो दौर था जब इन जीवों की रीढ़ की हड्डी को दिमाग से जोड़ने वाला छेद फॉर्मिन मैग्नम खोपड़ी के पिछले हिस्से से बीच में शिफ्ट हो गया। इससे हुआ ये कि इन जानवरों में दो पैरों पर चलने की एबिलिटी आ गई, और इसी तरह ये जीव समय के साथ इवॉल्व होते गए। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी के वातावरण और इसके भौगोलिक संरचना में बहुत अहम बदलाव हुए, और इसका हम इंसानों के वजूद में आने पर बहुत गहरा असर पड़ा। दरअसल आज हम दुनिया के नक्शे को जिस रूप में देखते हैं, वो 4.7 करोड़ साल पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स में लगातार होने वाली हलचल की वजह से इंडियन प्लेट, जो पहले गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करती थी, वो इससे अलग होकर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा गई, और इस टकराव की वजह से ही दुनिया में एक नई और बेहद विशाल पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे हम आज हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत इतना ऊंचा था कि इसकी वजह से दुनिया के मौसम का पैटर्न ही बदल गया, और धीरे धीरे करके पृथ्वी और ज्यादा ठंडी होने लगी। इसके साथ ही इस पर्वत की बर्फ ने आगे चलकर कई विशाल नदियों को जन्म दिया, जो धरती पर जीवन का एक मुख्य स्रोत बनी। करीब 3 करोड़ साल पहले पृथ्वी थोड़ी और ठंडी हुई, और इसमें बड़े बड़े घास के मैदान बनने लगे। इसी दौरान धरती पर एक ऐसे जीव का आगमन हुआ जो खुले मैदानों में रहना पसंद करते थे, और यही वो समय था जब दूसरे जानवरों को मारकर अपना पेट भरने वाले शिकारी जीवों ने धरती पर कदम रखा। इसी तरह समय बीता, और आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी लगभग उस रूप में आ चुकी थी जैसा हम इसे आज देखते हैं। धरती अब हम इंसानों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन हमें यहाँ आने में अभी और थोड़ा समय लगने वाला था। आज से करीब 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज कई अलग अलग जीवों की प्रजातियों में विकसित हो चुके थे। उन्हीं प्रजातियों में से एक थे एप्स, जिन्हें साइंटिफिक भाषा में पाइरोला कहा जाता है, और ये अफ्रीका के पूर्वी इलाके में फैले जंगलों के अंदर रहते थे।
वजनी होने के कारण ये एक डाल से दूसरी डाल पर कूद नहीं पाते थे, इसलिए ये हमेशा पेड़ों पर लटके ही रहते थे और फल खाकर अपना पेट भरते थे। लेकिन फिर अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने इन एप्स को पेड़ों से उतरकर धरती पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स फिर से खिसकना शुरू हुई और हिमालय की तरह पूर्वी अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसे आज हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। इन पर्वतों के बनने का असर ये हुआ कि यहाँ मानसून आना बंद हो गया और जो अफ्रीका कभी हरा भरा हुआ करता था वो धीरे धीरे करके बंजर मैदानों में बदल गया। जंगल खत्म होने की वजह से अब इन एप्स को खाने की समस्या होने लगी और इस समस्या का हल ढूंढने के लिए इन्हें पेड़ों से उतरकर धरती पर कदम रखना पड़ा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हमारे जिन पूर्वजों ने धरती पर पहली बार कदम रखा था उनका नाम आर्दिपिथेकस रेमिडस था। इनके शरीर की लंबाई लगभग 4 फीट और दिमाग सिर्फ एक संतरे जितना बड़ा होता था। शुरुआत में ये मुख्य रूप से 4 पैरों पर ही चलते थे, लेकिन हजारों सालों तक धीरे धीरे विकसित होते हुए इन्होंने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत धरती पर नहीं बल्कि पेड़ों की डालियों पर ही कर दी थी। 2 पैरों पर चलना एक बहुत बड़ा और अहम विकास था, क्योंकि एक तो इस तरह चलने से हम ऊर्जा कम खर्च करते थे और दूसरा ये अपने हाथों में खाने पीने का सामान लेकर भी आसानी से इधर उधर जा सकते थे। साथ ही खड़े होने से इनकी लंबाई भी बढ़ गई थी जिसकी मदद से ये दूर दूर तक नजर रख पाते थे। समय के साथ साथ इनके दिमाग का भी विकास बहुत तेजी से हो रहा था और ये पहले से ज्यादा समझदार बनते जा रहे थे। इसी तरह विकसित होते हुए इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना शुरू किया जिनके इस्तेमाल से शिकार करना बेहद आसान हो गया। मानवों के जिन पूर्वजों ने पहली बार पत्थर से हथियार बनाए उन्हें होमो हैबिलिस नाम दिया गया है। पत्थरों से बने हथियारों को इस्तेमाल करने से इनके हाथ और उंगलियां मजबूत हुए, साथ ही इनके लिए उन कामों को करना भी मुमकिन हो गया जो ये पहले नहीं कर पाते थे, जैसे ज्यादा बड़े जानवरों का शिकार करना और उनके मांस को काट कर खाना। इसके बाद हमारे पूर्वजों ने आग की खोज की और उस पर काबू पाना सीखा। आग की खोज हमारे उन पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खोज साबित हुई, क्योंकि आग उनको सर्द मौसम में गर्मी और अंधेरे में प्रकाश देती थी। इसके अलावा उन्होंने अब मांस को कच्चा खाने के बजाय आग पर भून कर खाना शुरू कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि उनके लिए अब मांस को चबाना और पचाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया। साथ ही पहले उनकी जो ऊर्जा मांस को चबाने और पचाने में खर्च होती थी वो अब उनके दिमाग के विकास में खर्च होने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि उनके दिमाग के बढ़ने और विकसित होने की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई और इसी तरह से तेज विकसित होते हुए धरती पर हम मानवों की होमो इरेक्टस प्रजाति अस्तित्व में आई। जानकारी के लिए बता दें कि होमो इरेक्टस वो पहले मानव थे जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए परिवार के साथ और समूह बनाकर रहना शुरू किया। साथ ही इन्होंने अपनी बात दूसरे मानवों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालना भी शुरू कर दिया था। दरअसल आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वज उस रूप में आ चुके थे जिसमें हम आज के इंसानों को देखते हैं। पहले के समय में आवाजों की जो नली गले में ऊपर की तरफ हुआ करती थी वो अब नीचे आ चुकी थी। इसका मतलब ये था कि हमारे पूर्वज अब ज्यादा मुश्किल और ज्यादा प्रकार की आवाजों को अपने गले से निकाल सकते थे। इसी का फायदा उठाकर उन्होंने एक दूसरे को अपना संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार की आवाजें विकसित कर ली। इसमें खतरे की आवाज अलग थी और शिकार पर हमला बोलने की अलग। इसी तरह हर एक एक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग आवाज सेट कर ली थी और ऐसे ही आगे चलकर धीरे धीरे हमारे उन पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया। भाषा का निर्माण विकास का वो आखिरी मुख्य प्रोसेस था जिसके बाद आज से करीब 2 लाख साल पहले विकसित होकर हम वो इंसान यानी होमो सेपियंस बने जो आज हम सब हैं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार थे, इसलिए हमने हर चीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। हमारे पास दुनिया के बड़े से बड़े और ताकतवर से ताकतवर जानवर को काबू करने का हुनर था। हम भले ही शारीरिक ताकत में उनसे कम थे,
लेकिन हमारा दिमाग हमें दुनिया की सभी जीवों से अलग बनाता था। अपने इसी दिमाग का इस्तेमाल करके हम इंसान धीरे धीरे इस धरती के हर एक हिस्से को अपने काबू में करते गए और देखते ही देखते हम लोग इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता बन गए। तब से लेकर आज तक इस पूरी धरती पर हम इंसानों का ही राज है, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भी हम इंसान ही सबसे ऊपर रहने वाले हैं। वैसे क्या लगता है आपको, पृथ्वी पर कोई जीव या एआई हम इंसानों के वर्चस्व को चुनौती दे सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारी फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।